Mumbai meetup was in February. Hi guys, Namaste. मेरा नाम कोहे है, टोक्यो जापान से हूँ. मेरे YouTube चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है. मैंने पिछले फरवरी में, जब हालात ऐसी नहीं थी और लॉकडाउन भी नहीं था, तब एक मीटअप किया था मुंबई में, और उसमें बहुत सारे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स लोग आए थे मुझसे मिलने के लिए, और हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस साथ में बनाए थे. उनमें से एक आप सबको दिखाना चाहता हूँ. मैं जापान से एक नाश्ता यानी स्नैक लेके आया था, जो कि मेरे देश जापान में सबसे तीखा नाश्ते के रूप में जाना जाता है. और दुनिया को मालूम है कि अधिकतर बाहर के लोगों को तीखा स्वाद अच्छा लगता है, तो मैंने उस मीटअप में आए हुए दोस्तों को दे दिया था और उन्होंने पहली बार खाया था. तो इस वीडियो में देखेंगे आप बाहर के लोग हैं जिनको तीखा स्वाद अच्छा लगता है, उनको मेरे देश जापान का सबसे ज्यादा तीखा स्नैक कैसा लगेगा. आरंभ करते हैं, लेट्स स्टार्ट. इसका नाम है बोकुन हबानेरो. ये एक प्रकार का पोटैटो चिप्स है. हाँ जी, सबसे तीखा स्नैक के रूप में जाना जाता है यह, ठीक है. ज्यादातर भारतीय लोगों को तीखा खाना पसंद है. आपके लिए कैसा लगता है, ठीक है, तो प्लीज खोल दीजिए. यस, तीखा नहीं लगा. और खा लीजिए, शायद ज्यादा खाने पर लगेगा. स्पाइसेस है इसमें, बट नॉट तीखा तीखा. नहीं, सेवन-इलेवन में मिलता है, कहीं भी आप खरीद सकते हैं ये. हाँ जी, स्पाइसेस से भरा हुआ है, बट तीखा नहीं बोल सकते इसको. अच्छा, गुड इन टेस्ट एक्चुअली. अच्छा, हाँ, हमारे लिए तो ये ज्यादा स्पाइसी हॉट तीखा लगता है. आपको नहीं लगता है? कड़ा ही नहीं है. क्या बात है. फिर उसके ऊपर स्पाइसेस, पर फिर भी एक कोई स्पाइसेस ऐसे स्ट्रॉन्गली नहीं फील हो रहा है, तो उतना ज़्यादा भी नहीं तीखा बोल सकते. बट अच्छा है, मतलब ऐसे टाइम पास की तरह से ऐसे खा सकते हैं आते जाते. हाँ, तो इंडियंस को ये पसंद आ सकता है. अच्छा लगता है, पसंद तो आएगा. अच्छा, सो प्लीज आप टेस्ट कर दीजिए. इंटरेस्टिंग. It's just not that much spicy. No? मसालेदार है, लेकिन तीखा नहीं है. तीखा नहीं, बिल्कुल भी नहीं तीखा नहीं है. नहीं. अच्छा, नमकीन ये देखिए, ज़्यादा तीखा नहीं है बिल्कुल. लेकिन आलू भुजिया से तो ज़्यादा तीखा होगा. नहीं. हाँ, मतलब वैसा ही कुछ है. ऑलमोस्ट बेसिक आलू भुजिया से तो थोड़ा तीखा है, तीखा है. मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि खाने के बाद तीखा लग रहा है या पानी. एकदम नॉर्मल है आपके लिए. नॉर्मल है. ये मेरे देश में सबसे ज्यादा तीखा हाँ नाश्ते के रूप में जाना जाता है. हाँ, और इसका ये पिक्चर दिखे है ना तस्वीर, इतना खतरनाक चिली जैसा दिख रहा है. अच्छा, आपको बिल्कुल भी हाँ तीखा नहीं लग रहा? नहीं लग रहा. अच्छा है, लेकिन पसंद आया. अच्छा, पसंद आया. इससे ज्यादा तो बचपन से मसालेदार चीजों को खाने की आदत है शायद. पर्सनली मुझे मीठा ज्यादा पसंद है. अच्छा, मैं मीठा ज्यादा खाता हूँ. अच्छा, लेकिन ये फिर भी ये तीखा नहीं लग रहा. अच्छा, थोड़ा ओवर रिएक्ट करना है आपको. हाँ, रिकॉर्ड थोड़ा. नाइस. स्पाइसी नहीं है बिल्कुल. इंडियंस बहुत स्पाइसी है. अगर इंडियंस जब खाते हैं तो आंखों से भी पानी आता है मोस्ट ऑफ द टाइम. ज़्यादातर तो ये सही है. ये नॉर्मल है एकदम. हाँ, नॉर्मल है. इसको बच्चे भी खा सकते हैं. इसको बच्चे भी खा सकते हैं. छोटे बच्चे भी खा सकते हैं इधर.
नहीं मतलब बच्चों को तीखा खाना बिल्कुल तीखा स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना मेरे उधर जापान जापान इंडियंस बचपन से ही तीखा खाने का हैबिट है दैट्स व्हाई वो सब ये एकदम नॉर्मल है मतलब आउट ऑफ 100% 20% इतना कम अच्छा हर एक कैपेसिटी से ज़्यादा आगे निकल गए अच्छा बट आई लाइक इट ओके गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो इफ यू लाइक माई वर्क प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल ठीक है यार सब्सक्राइब तो कर लेना प्लीज चलो सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज बाय